नॉनस्टॉप एंटरटेनमेंट के लिए सब्सक्राइब करें शेमारू वेब सीरीज। तो फिर आपको एक शायरी सुनाऊं? वो तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है। मिस्टर राइटर, एक हफ्ता हो गया। अभी तक स्ट्रिप पूरी हुई या नहीं हुई? अकॉर्डिंग टू ग्रीक फिलोसोफर राइटर साइंटिस्ट एरिस्टोटल जी महाराज, एवरी स्टोरी हैज थ्री आर्क स्ट्रक्चर, स्टार्ट मिडिल एंड। मैं उनकी फिलॉसफी को बेस करके अपनी स्टोरी लिख रहा हूं, बट स्टार्ट नहीं मिल रहा। एक बार स्टार्ट मिल गया ना, फ्लो में निकल जाएगा। प्रिया, क्या चिलमन? चिलमन से एक शेर याद आया, ये चिलमन के पीछे तेरे लहराते हुए बाल। वाह वाह, ये कौन सा नया चिलमन फूक रहे हो तुम लोग आजकल? भाई वो चिलम है, चिलमन मीन्स ड्रेपरी माने कर्टन, और कर्टन के पीछे है एक सुंदर लड़की। ओह हेलो, आजकल की लड़कियां किसी कर्टन के पीछे नहीं रहती। हाँ आई नो, आजकल वो डीपी के फिल्टर्स के पीछे रहती है ना। मिल गया, मेरी स्टोरी का स्टार्ट मिल गया। चिलमन के पीछे एक लड़की बाल लहरा रही है, यहाँ से मेरे नॉवल की कहानी शुरू होती है। वाह 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 वाह, तुम यहाँ पे मॉडल्स की पिक्चर ताड़ रहे हो? ताड़ नहीं रहा हूँ यार, ये फोटो शूट्स में कैमरा एंगल डायरेक्शन ये सब कुछ सीखने मिलते हैं। वो तो दिख ही रहा है कि क्या सीखने को मिल रहा है। ये सारी चीजें देखोगे ना तो सीनियर डायरेक्टर बनोगे, समझे? इरिटेटिंग बेबी, जब मैं मूवी बनाऊंगा ना तो सारे के सारे सुपरस्टार्स को एक साथ कास्ट करके फिर तुम्हें दिखाऊंगा। भाई भाई मेरे गाने भी ले लेना। मुझे बस एक हॉट मॉडल दिला देना। शट अप शट अप शट अप, तुम तीनों के साथ रहूंगी ना तो पूरी की पूरी पागल हो जाऊंगी, समझ में आया? स्टूपिड पागल। भाई एयरपॉड्स दे। ये ले। थैंक्स। ओ गाइस गाइस गाइस, बताना भूल गई कि मेरी एक फ्रेंड आ रही है। व्हाट? भाभी पहले क्यों नहीं बताया? इसे क्या हुआ? बाय द वे वो रहने आ रही है। अपने घर में रहेगी? वही तो, पर वो यहाँ पर रहेगी नहीं। क्यों? मैं कैसा लग रहा हूँ? मेरी बात सुन रहे हो? मैं क्या कह रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि मेरी फ्रेंड घर आएगी पर मैं उसे मना नहीं कर सकती, इसलिए जब वो यहाँ आएगी तो तुम लोग उसे यहाँ रहने से मना कर देना, क्योंकि वो एक नंबर की बिच है, कमीनी है, समझे? चिरू यार, वो तेरे डांट मूड से ना फटी हुई तेरी अंडरवेयर हटा। लड़की आ रही और तेरी फटी हुई अंडरवेयर ये ले। मेरे ऊपर क्यों फेंका? अरे जेसी, वेलकम वेलकम। ये क्या था? क्या तू भी? ये मेरे फ्रेंड्स अंडरवेयर गेम खेल रहे थे। अंडरवेयर गेम? हाँ अंडरवेयर, तुम्हें नहीं पता था कितना फेमस गेम है वो? चिरू को भी तो मालूम है। हाँ, जिसने फेंका और जो जिसके मुंह पे लगा वो दोनों डेट पे जाएंगे। प्रिया, चीरू, शट अप। तुम छोड़ो ना, तुम आओ ना जैसी, कम कम लेट्स इट, कम कम कम, नो वरी। निकू गिटार हटाओ। प्लीज 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 सिट सिट।
Yeah, sit. So, these are my friends. That's Chiru. Hi. Niku. Hi. Adi. Our friends, ये है मेरी बॉस कम फ्रेंड जेसी. हाय जेसी. हाय. हेलो. मैं आपको एक गाना सुनाऊं? नहीं. नहीं. तुम्हारा नाम जेसी? वाह, क्या नाम है. आई लव यू. अभी क्या बोल रही? मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ ना. एक्सक्यूज मी, जेसी, ही मींस गर्ल और उसके बाद ही मींस फ्रेंड, मतलब अलग अलग. गर्ल फ्रेंड, गर्ल फ्रेंड. वैसे जेसी तुम अपना बैग रख सकती हो रूम में, तुम तो यहीं रुकोगी ना? नो प्रिया, आई थिंक मैं होटल में ही रह लूंगी. होटल ठीक रहेगा. तुम होटल में कैसे रहोगी? हाँ. तुम यहीं रहोगी बस. यस. नो, आई थिंक होटल में रहना ठीक. ओके. लेकिन ना मैं रोज आऊंगी तुमसे मिलने. ओके. रोज आओगी? इससे बेटर तो मैं तुम लोगों के साथ ही रहती हूँ ना, है ना गाइस? राइट प्रिया? वो तो वी विल हैव अ लॉट ऑफ फन, पर वो क्या हुआ प्रिया, कोई प्रॉब्लम है? हाँ, वो शायद ना हमारे फ्लैट ओनर परमिशन नहीं देंगे और मेरे फ्रेंड्स वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाते हैं. क्या हम अनकंफर्टेबल हैं? क्या बात कर रहे हैं? Are they uncomfortable with me? No, not around you. Specifically, no. They are generally uncomfortable around, you know, all girls. तू अपनी girlfriend को समझा ले. Last time याद है? अनु आई थी. उसे भी होटल में रहना पड़ा था क्योंकि ये लोग बहुत uncomfortable हो रहे थे. Are they girl phobic? हैं? Are you guys uncomfortable around me? No. Yes. Yes. Huh? और चिरु भी, he's uncomfortable. चिरु? मैं तो पूरा comfortable हूँ लड़कियों के साथ. मैं तो बचपन से ही लड़कियों के साथ रहा हूँ. मेरी नानी की दूसरी शादी के बाद मेरी मौसी की लड़कियाँ, मेरे मामा जी की लड़कियाँ और यहाँ भी इतनी सारी लड़कियाँ. मैं तो पूरा कंफर्टेबल हूँ. प्रिया भी तो एक लड़की है ना? He's joking. He's uncomfortable. मैं टोटली कंफर्टेबल हूँ. मैं रूम के ओनर से भी बात कर लूंगा. प्रिया के रूम में दो लड़कियों का स्पेस है. See? है. आपको मेरे डीओ का सेंट आ रहा है? जैसी. प्रिया, नाउ आई फील दीज गाइज आर कंफर्टेबल आई गेस. ओह रियली, लव यू सो मच. Your friends are really as sweet as you. Oh my god. Priya. Room? Room, yahan pe. Yahan pe. Priya's room. Yeah, it's there. Okay. मना किया था ना, तुम लोगों ने उसके साथ रहने के लिए हाँ कैसे की? तुम भी तो अच्छी लड़की नहीं हो. हम तुम्हारे साथ एडजस्ट कर रहे हैं ना. मैंने क्या किया? You are mean. You know, मैं usually इसके साथ agree नहीं करता, but he's right. You are mean. Shut up. What do you mean? I'm mean. Yes, yeah. You are mean. I am mean.
mean? Yes, I am mean. Mean, meri rashi. Tula lagan, swati nakshatra. क्या कर रहे हो? Let me see. कुछ नहीं, कुछ नहीं. बिकिनी पोस्टर्स. Yes. Oh, actually ये मेरी मूज़ है. हाँ, मैं एक नॉवेल लिख रहा हूँ तो ये मेरी इंस्पिरेशन है. You mean muse? हाँ वही muse. अगर इससे भी बड़ी कोई इंस्पिरेशन मिले तो चीरू? हाँ. चीरू, क्या हुआ? क्या हुआ? मजाक कर रहे थे ना? बड़े नॉटी हो. तुम भी. यू आर ऑल्सो वेरी नाइस एंड फनी. नाइस एंड फनी मत बोलो. क्यों? बहुत डर लगता है. पहले भी 20 लड़कियों ने यही बोल के रिजेक्ट किया है. So I'm the 21st, huh? Chiru, playboy? वो तो मैं हूँ. You know, 21 मेरा lucky number है. मेरा भी. सच्ची? हाँ. Oh, that's so sweet, Chiru. मुझे कुछ हो रहा है. क्या? ऐसा लग रहा है? जैसे तुम मेरी मूज़ हो. हाँ, तुम्हें कैसे पता? बस पता है. यू नो व्हाट, आई एम हियर फॉर यू ओनली. मुझे तो वो प्रिया के साथ रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता. ऑलवेज कीप्स बॉसिंग अराउंड. तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, कभी भी मेरे रूम में शिफ्ट हो सकते हो. और हाँ, प्रिया नहीं चाहती कि तुम यहाँ रहो, है ना? और हाँ, she was saying bad things about you. अच्छा, तुम्हें भी मैं ऐसी लगती हूँ? तुम्हें भी मैं बुरी लगती हूँ? बिल्कुल नहीं. इनफैक्ट मैंने उसे कहा कि वो तो कितनी स्वीट और सुशील लड़की है. ओह, यू आर सो स्वीट चीरू. अरे क्या हो गया चीरू? क्या हुआ चीरू? तुम फिर से मजाक कर रहे थे ना? इस बार सच में शौक लगा. अभी ऐसे और भी शौक लगे बाकी हैं. मैं तैयार हूँ ऐसे इलेक्ट्रिक शौक के लिए. मैं हमेशा रेडी हूँ. इनफैक्ट इलेक्ट्रिसिटी मेरा फेवरेट चैप्टर है फिजिक्स में. गॉस लॉ में इलेक्ट्रिक फील्ड मेजरमेंट से लेकर किरचॉफ्स लॉ, लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, मैग्नेटिक फील्ड सब आते हैं. मैग्नेटिक फील्ड? हाँ, व्हेन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस ए फोर्स इन दिस डायरेक्शन. यू आर सो इंटेलिजेंट बेबी. तो हम चले उस डायरेक्शन में. वहाँ एक नया कैफे है, हाइब्रिड कैफे, जहाँ सिर्फ लवबर्ड्स आते हैं. लवबर्ड्स? डेट पे चलोगे? एक सपना जैसा लग रहा है. पिंच करो? नहीं, पिंच मत करो. अगर ये सपना भी है तो चलने दो.
So let me take you somewhere where we can have fun. Huh?